प्रदेश में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं। दिग्गज नेताओं का एक दूसरे की पार्टी में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष को बड़ा झटका दे दिया है। रोहतक पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज बड़ा हाथ मारते हुए दो बार कैबिनेट मंत्री एवं बादली से पांच बार विधायक रहे स्वर्गीय चौधरी धीरपाल का परिवार युवा नेता अरविंद गुलिया और अभिषेक गुलिया को पार्टी में शामिल कर लिया। यही नहीं, बराला विधानसभा से इनेलो विधायक वेद नारंग, गोला चीका से विधायक रहे फूल सिंह खेड़ी और रतिया से पूर्व में मंत्री रहे रामस्वरूप रामा को भी पटका पहनाकर विधिवत तरीके से भाजपा ज्वाइन करवाई गई। सीएम ने कहा कि सभी नेताओं को पार्टी में पूरा मान सम्मान और इन नेताओं के आने से भाजपा मजबूत होगी। कुछ बंधुओं ने आज पार्टी ज्वाइन की है तो पहला समाचार तो आपको यही है कि उसमें बरवाड़ा के तो विधायक जो हमारे वर्तमान के वेद नारंग जी, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। इसी प्रकार पूर्व विधायकों में फूल सिंह खेड़ी XML कैथल जिले से, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है। रामस्वरूप रामा रतिया से, ये पहले कभी विधायक रहे और एक समय था हमारी पार्टी में ही थे, बाद में कुछ और स्थानों पर चले गए, लेकिन आज वो कहते हैं नहीं, मेरा तो भारतीय जनता पार्टी में ही मुझे अपना सेवा करनी है, जो कि अब तो चुनाव अभियान शुरू होने के बाद पार्टी का सहयोगी करेंगे और पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिताएंगे। इसी प्रकार बादली से चौधरी धीरपाल जी, वहाँ बहुत वर्षों तक विधायक रहे और शायद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर क्या रहे, स्पीकर भी रहे, मंत्री भी रहे, उनके परिवार से उनके दो भतीजे, उन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की है, श्री अरविंद गुलिया, श्री अभिषेक गुलिया। तो ये भी बादली का अपना इनका प्रभाव है, तो बादली क्षेत्र में हमको इनका लाभ होगा और पूरे झज्जर जिले में इनका लाभ होगा। वहीं कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि भाजपा शील स्वभाव की पार्टी है, इसलिए दूसरे दलों से भाग कर नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। साथ ही धनखड़ ने पूर्व सीएम हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने तंवर को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत विनम्र पार्टी है और विनम्रता का स्तर आप देख रहे हो कि मैं आपके सामने अभी खड़ा हूँ तो किस विनम्रता के साथ सब लोगों को मिलजुल रहा हूँ। अभी सीएम साहब आप सब लोगों को इतनी आत्मीयतापूर्वक मिल रहे थे। अहंकार तो लोगों ने देखा है, जिनका था उनका था। ये तो जनता को ईश्वर मानकर काम करने वाली पार्टी है। ये सोहनी सूरतों वाले मेरी भक्ति की माला की मोती हैं, नज़रों से गुजरते जाते हैं, पूजा होती जाती है, इबादत होती जाती है। ये लोकतंत्र लोक आराधना का पर्व है और भारतीय जनता पार्टी लोक आराधना के पर्व में काम में लगी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, 75 पार नहीं अब कांग्रेस की सरकार बनेगी। बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर आज रोहतक के तिलियार लेख पर पहुंचे थे और कई दूसरे दलों के नेताओं को भाजपा ज्वाइन करवाई थी। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी के सभी 90 प्रत्याशियों के नामांकन मंजूर हो चुके हैं। अब चुनाव प्रचार की शुरुआत रोहतक से शुरू की जा रही है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।